हेलो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज रजिस्टर, जैसे कि हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध। तो आपने सर्किट में, बहुत सारे सर्किट में आपने इस तरह का रजिस्टर देखा होगा। तो ये रजिस्टर आखिर सर्किट में किस लिए यूज किया जाता है और रजिस्टर कैसे काम करता है, रजिस्टर की बनावट क्या होती है, तो इसके पूरे डिटेल्स में बात करूंगा। कि इसका जो कलर कोडिंग भी होती है, तो उसके पूरे डिटेल्स में मैं बात करूंगा इस वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटे को प्रेस कर दें, जो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जैसा कि फ्रेंड्स, प्रतिरोध, प्रतिरोध आखिर है क्या? तो प्रतिरोध एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट होता है जो कि करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करने का काम करता है और जो इसकी वैल्यू के अनुसार करंट को कम ज़्यादा करने का काम करता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ये करंट को कैसे कम या ज़्यादा करता है। तो जैसा कि फ्रेंड्स, रजिस्टर का जो सिंबल की बात करूँ तो आपको इस तरह के इसका जो सिंबल होता है, और जो आपने सर्किट में देखा रहेगा तो आपको सर्किट में इस तरह के रजिस्टर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए ये कैसे काम करता है। तो जैसा कि फ्रेंड्स, इसे काम के बात करें तो जैसा कि इसमें देखिए, ये जो रजिस्टर का सिंबल होता है, तो यहाँ से मैंने यहाँ पे देखिए करंट फ्लो कराया, तो ये करंट ऐसे ऐसे जाएगी। जैसे देखिए यहाँ पे करंट हम फ्लो कराए हैं, तो देखिए ये इस तरह से वोल्टेज जाती है। तो अगर यहाँ से करंट जब हम फ्लो कराएं तो यहाँ पे इस तरह से करंट जब जाती पास होती है तो इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी की खपत मतलब हो जाती है, मतलब कि कुछ करंट इसमें खपत हो जाती है। जैसे कि यहाँ से मैंने देखिए, यहाँ से मैंने एक देखिए यहाँ से मैंने 5 वोल्ट दिया, तो देखिए यहाँ से मैंने 5 वोल्ट दिया तो यहाँ पे देखिए निकलेगा जैसे कि 4 वोल्ट निकल सकता है। देखिए 4 वोल्ट निकल सकता है। तो इस तरह से ये रजिस्टर काम करता है। तो ये मतलब कि ये रजिस्टर का काम होता है कि कुछ करंट को एक कम करने का काम करता है। तो अब बात करते हैं कि रजिस्टर का जो डिनोटिलेटर क्या होता है। तो डिनोटिलेटर का मतलब होता है कि कोई भी सर्किट हो तो सर्किट में आपको लिखा रहेगा, जैसे कि सर्किट में लिखा रहे, जैसे कि पीसीबी में आपने देखा होगा तो पीसीबी में लिखा होगा आर, आर लिखा होगा, आरएन लिखा होगा और आरपी लिखा हुआ हुआ होगा और पीआर लिखा होगा। तो आर, आरएन, आरपी और पीआर लिखा होगा तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे रजिस्टर का यूज किया जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं कि रजिस्टर कितने प्रकार का होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, रजिस्टर जो होता है 2 प्रकार का होता है। तो जैसा कि जो पहला रजिस्टर होता है फिक्सर, फिक्स्ड रजिस्टर, और जो दूसरा होता है वेरिएबल रजिस्टर। तो चलिए हम जानते हैं कि फिक्स्ड रजिस्टर क्या होता है। चलिए, फिक्स्ड रजिस्टर का मतलब होता है कि जो देखिए फिक्स रजिस्टर का मतलब होता है जो कि इसका वैल्यू एकदम फिक्स होता है। जैसा कि फ्रेंड्स, जो फिक्सेड का मतलब होगा कि जो इसका रजिस्टर अगर आपने सर्किट में इस तरह का देखा होगा तो इसका जो वैल्यू है फिक्स होता है, इसे हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। मतलब कि ये मान लो कि देखिए ये, मगर देखिए ये 10 ओम है, ठीक है, ये 10 ओम है, देखिए ये 10 ओम है तो ये 10 ही ओम होगा, इसे हम ज़्यादा नहीं कर सकते। तो अब चलिए हम जानते हैं वेरिएबल रजिस्टर। तो वेरिएबल रजिस्टर का मतलब होता है कि जैसा कि वेरिएबल रजिस्टर का मतलब होता है कि इसका जो वैल्यू है कम ज़्यादा हम कर सकते हैं। जैसा कि देखिए ये, देखिए ये पोटेंशियोमीटर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे कि वेरिएबल रजिस्टर ही है, मतलब इसका नाम है पोटेंशियोमीटर। तो इस पोटेंशियोमीटर का काम होता है कि अगर आप इसे कम ज़्यादा, मान लो कि ये देखिए ये 10 ओम का है, ठीक है, अगर ये 10 ओम का है, देखिए ये 10 ओम का है, ठीक है, तो ये 10 ओम का है तो हमें 9 ओम करना होगा। जैसे कि देखिए 9 ओम करना है, तो देखिए 9 ओम करना है तो पोटेंशियोमीटर को हम घुमाकर 9 ओम कर सकते हैं। जैसे कि ये घूमता है, अगर आप इसे घुमाकर जितना ओम पे सेट करना चाहोगे तो उतना ओम पे सेट कर सकते हो। और जैसा कि इसका जो सिंबल के बात करें तो इसका जो सिंबल है आपको इस तरह का दिखता है। तो ये फिक्स, सॉरी, ये जो है वेरिएबल रजिस्टर का सिंबल है। जैसे कि इसका जो पोटेंशियोमीटर, देखिए ये पोटेंशियोमीटर है और ये प्रीसेट है। तो
तो इसका जो वेरिएबल रजिस्टर का बहुत सारे टाइप्स है, आपको सर्किट में बहुत सारे अलग अलग देखने को मिल जाते हैं। तो अब बात करते हैं रजिस्टर का यूनिट, मतलब कि जो ये मतलब कि इसका जो यूनिट होता है, जैसा कि जो रजिस्टर का वैल्यू होता है वो ओम में होता है, किलो ओम में होता है और मेगा ओम में होता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो देखिए ओम बराबर होता है 1000 ओम, और 1000 ओम बराबर होता है 1000 किलो ओम, और जैसे ही किलो ओम से ज़्यादा होगा तो मेगा ओम में आ जाता है। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है तो ये मेगा ओम की सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है। तो अब बात करते हैं जैसे कि ओम्स लॉ ने फार्मूला के बारे में। तो जैसे कि ओम्स लॉ की जो फार्मूला होता है, देखिए ओम्स लॉ के फार्मूला होता है, अगर किसी के वोल्ट निकालना हो तो वोल्ट बराबर होता है आई गुने आर। तो आई का मतलब हो गया करंट और आर का मतलब हो गया रजिस्टर। तो उसी तरह से आई बराबर होता है वी बटे आर। तो आई का मतलब हो गया करंट, करंट बराबर वोल्ट बटे रेजिस्टेंस, और आर का बराबर हो गया मतलब रेजिस्टेंस बराबर हो गया वी बटे आई मतलब वोल्टेज बटे आर। तो अब चलिए हम बात करते हैं रजिस्टर के कलर कोडिंग के बारे में। जैसे कि आपने रजिस्टर में देखा होगा कलर कोडिंग, मतलब उस पर कलर दिया होता है, लाल ब्लू हरा ग्रीन, बहुत सारे उसमें कलर होते हैं। मतलब कि जो टॉलरेंस इसके, मतलब आपने देखा रहेगा तो 5 टॉलरेंस होती है, कम से कम इसमें 5 होगा, देखिए 5 होगा, 4 होगा, और इस तरह के इसके कलर कोडिंग होते हैं। तो सबसे पहला हम कलर कोडिंग के बात करें, तो देखिए कलर कोडिंग जो होता है, देखिए ब्लैक का जो कलर कोडिंग होता है 0 होता है, ब्राउन का होता है 2 होता है, ब्राउन का 1 होता है, रेड का 2 होता है, ऑरेंज का 3 होता है, येलो का 4 होता है, और जो ग्रीन का होता है वो 5 होता है, और ब्लू का होता है 6 होता है, और जो देखिए ब्लोटेड जो कि 7 होता है, और ग्रे का होता है 8 होता है, और वाइट का होता है 9 होता है, और जो गोल्ड और सिल्वर होता है इसके टॉलरेंस होते हैं, जो कि मतलब कि टॉलरेंस मतलब हाई, मतलब कि कुछ जो वोल्टेज होती है जो फास्ट काम करती है। तो जैसे कि टॉलरेंस का मतलब देखिए, जो गोल्ड का टॉलरेंस होता है ±10, और सिल्वर का होता है ±5। तो फ्रेंड्स इसका जो वैल्यू है कैसे निकाला जाता है, तो चलिए हम आप लोगों को बताते हैं तू कि इसका जो वैल्यू है कैसे निकाला जाता है रजिस्टर का। कोई भी रजिस्टर हो उसका कलर कोडिंग दिया हुआ होता है, तो इसका जो रजिस्टर का वैल्यू है कैसे